सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। होंडा भारत में जल्द ही एक नई एसयूवी को उतारने पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार होंडा एचआरवी को इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में होंडा सिविक के 10वें जनरेशन को बाजार में उतारा है। होंडा एचआरवी के भारत में लॉन्च को लेकर बहुत समय से काम कर रहा है, लेकिन अंत इसके लॉन्च को लेकर मजदूरी दे गई है तथा यह इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। भारत में होंडा लाइनअप में एचआरवी को सीआरवी और बीआरवी के मध्यम में रखा जाएगा। कंपनी इसे भारत में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन यूनिट्स के रूप में लाई जाएगी तथा यह एलएम्स करने के बाद बेचा जाएगा। होंडा एचआरवी को पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों विकल्पों में उपलब्ध कराया जाएगा। पेट्रोल इंजन 1.8 लीटर इंजन होगा जो 140 पीएस का पावर और 170 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इस इंजन का प्रयोग सिविक में भी किया गया है। डीजल इंजन 1.6 लीटर इंजन होगा जो 120 पीएस का पावर और 300 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। इसमें डीजल में मैनुअल गियरबॉक्स और पेट्रोल में सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है। होंडा एचआरवी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2013 से उपलब्ध है तथा 2018 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया था। भारत में इसके फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया जाएगा जिसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स एलईडी हेडलैम्प्स लगाए गए हैं। होंडा इस नई एसयूवी का डिज़ाइन कूप की तरह रखने वाली है। कंपनी ने अभी एचआरवी एसयूवी की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी कीमत सिविक से कम रखी जाएगी। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह एचआरवी एसयूवी कार कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।